सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। घर में कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, पैसा नहीं आता, आता है चला जाता है, या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गंदी लत लग चुकी है जो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। आज इसी वीडियो में आपकी हर समस्या का समाधान है। क्या करना होगा? अब अगर इस वीडियो को कोई बदनसीब देख रहा है तो इस वीडियो को छोड़कर चला जाए, हमसे न बताए कि वो बदनसीब कौन है, किसी और को भी न बताए कि वो बदनसीब कौन है, केवल और केवल इस वीडियो को छोड़कर चला जाए। इस वीडियो को केवल वही देखे जिसे लगे कि आज से, अभी से, इसी समय से भगवान मेरा कल्याण करने के लिए आए, केवल वो इस वीडियो में हमारे साथ चले। यहाँ से नहीं, यहाँ से चलो, यहाँ से। इस वीडियो को देखने से पहले ही मन में भाव बना लो कि बस मेरा काम बन चुका है, बन जाएगा नहीं, बन चुका है, भाव बना लो अभी इसी समय। ऐसा रामबाण फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज बताऊंगा, दोबारा नहीं बोलोगी कि ये परेशानी है घर में। क्या है, ध्यान से सुनो। यह उपाय आपको केवल एकादशी के दिन करना है, दूसरा नहीं। किसी भी एकादशी के दिन, एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी भी समय कर सकते हो आप, पूरी एकादशी के दिन किसी भी समय। एक लोटे में गंगा जल डाल लें, भर लें उसे, और उसमें आप सभी को पता है बेलपत्र, जानते होगे बेलपत्र। बेलपत्र तीन मुखी होता है, पांच मुखी होता है बेलपत्र। ऐसा नहीं कि गए मंदिर में हाथ मारा, बेलपत्र उतारे, डाल लिए, नहीं। हमारी परेशानी, हमारी कमजोरी यही है, हम देखते ही नहीं। भगवान का समर्पण पूरा होता है बेलपत्र को जब उतारो बेलपत्र से, तो वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। केवल उन्हीं बेलपत्रों को उतारा जाता जो कटे फटे नहीं होते। भगवान का समर्पण पूरा होता है, अधूरा नहीं होता, ध्यान रखे इस बात का। सात बेलपत्र लें, सात, और जहां आपने गंगा जल डाला हुआ है उसी पात्र में डाल लें सात बेलपत्र को। इस तरीके से डालें कि सातों के सातों भीग जाएं और भगवान शिव के मंदिर में जाएं। एकादशी के दिन भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं। वहां जाकर देखा होगा आपने कि शिवलिंग के बिल्कुल सामने श्री नंदी भगवान बैठे होते हैं। शिवलिंग के बिल्कुल सामने श्री नंदी भगवान बैठे होते हैं। क्या करना आपको? घर से बत्ती ले जाएं, दो, क्योंकि भगवान शिव के एक दिया नहीं लगाया जाता, एक दिए में दो बत्ती लगाई जाती है इकट्ठी, भगवान शिव की और माता पार्वती की, घी की जोत। जरूरी नहीं आप उसके अंदर घी डालोगे, लेकिन बत्ती घी में भीगी हुई होनी चाहिए। ले जाइए आप उसे, पहले जोत पर ज्वलित करिए। वहाँ जोत पर ज्वलित करोगे, भगवान शिव साक्षात रूप में प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद नंदी भगवान का एक पांव ऊपर उठा हुआ होता है, आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा आप ध्यान कर लेना। जो बेलपत्र, सात बेलपत्र हैं, पूरे भीग चुके हैं, उन्हें निकाल कर शिवलिंग के ऊपर रख दो, सातों को मोधे, सीधे नहीं, मोधे रख दिए। अब जितना भी पानी है आपके पास, वो सारा पानी एक साथ श्री नंदी भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। और जो भी परेशानी है, शराब नहीं छूटती, जुआ नहीं छूटता, पैसा नहीं रुकता, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी परेशानी है, वो नंदी भगवान के कान में बता दो। ऐसा आपको चार एकादशी करना है। महीने में दो एकादशी आती है, यानी दो महीने करना है आपको चार एकादशी। अगर यहाँ से कर लिया पाँचवीं एकादशी, जो समस्या चार एकादशी पहले थी वो नहीं होगी, 100% गारंटी है। वीडियो को शेयर जरूर करना। जय श्री श्याम।